दफ्तर में कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी ब्लॉक अध्यक्ष व तमाम कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। यह मीटिंग आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रखी गई थी। इस मीटिंग को संबोधित किया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी पीसी चाकू ने, जिन्होंने दिल्ली में 12 मई को चुनाव को देखकर सभी के साथ रणनीति बनाई और किसी तरीके से वोटरों को जागरूक करना है दोबारा कांग्रेस की ओर वापस आने के लिए, वे सब बताते हुए अपनी बात खत्म की। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। राहुल गांधी जी जब मोदी को फाइट कर रहे हैं, कांग्रेस जब बीजेपी को फाइट कर रहे हैं, उधर एक तीसरा पार्टी को कोई जगह नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी ये दिल्ली इलेक्शन में एक रिलेवेंट पार्टी नहीं। ये फाइट जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। हमारा कैंडिडेट्स का लिस्ट आप देखा है, हमारा टीम बाकी सबसे एक स्टेप आगे है। सबसे पॉपुलर कैंडिडेट्स हमारा है, हमारा टीम अच्छा है, हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। हम साथ में साथ भाजपा पार्टी हर वक्त आरोप लगाते जो न्याय की रणनीति है कांग्रेस की, वो जुमला है देश के लिए। 5 साल कोई न्याय नहीं था, नीति भी नहीं था। पहली बार हमने ऑफर किया अब होगा न्याय। जो घोषणा पत्र में हमने कहा है, इस पूरा देश में आज लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं। ये 23 के बाद राहुल गांधी जी का गवर्नमेंट आएगा, लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन पत्र में राहुल जी ने जो वादा दिया है उसके लिए लोग वेट कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट करेगा राहुल गांधी जी।